हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट जॉब हेल्प। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ न्यू गवर्नमेंट जॉब 2021 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर अगर आपकी 10th 12th या फिर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर पास हो चुकी है, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है न्यू वैकेंसीज आपके लिए आउट हो चुकी हैं। कौन सी ये वैकेंसीज हैं, किस तरीके से आपने इनके लिए अप्लाई करना है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि फ्रेंड्स जॉब के रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आती है तो उसकी अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिटेल में देख लेते हैं इसके यहाँ पर जो पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है, किस तरीके से आपने इसके लिए अप्लाई करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन इसकी रहने वाली है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं MES की तरफ से आपके लिए यहाँ पर जो न्यू वैकेंसीज है वो निकाली गई है। पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पर सुपरवाइजर और ड्राफ्टमैन की यहाँ पर आपकी पोस्ट रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 502 दी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो अच्छी खासी पे स्केल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम आपकी जो 18 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 27 ईयर आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपकी 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन जो है यहाँ पर हो चुकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो रिटन एग्जाम है वो होगा, उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसमें आपकी कोई भी जो है एप्लीकेशन फी नहीं ली जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर मेल और फीमेल बहुत जो है कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 17 अप्रैल रहने वाली है। यहाँ पर जो है इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पहले जो है इसकी लास्ट डेट जो है वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है वो दोबारा से एक्सटेंड की गई है। अब यहाँ पर जो है 17 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, उससे पहले पहले आपने इसके लिए अप्लाई करना है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपने किस तरीके से जाना है, उसके लिए आपने क्या करना है कि इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप क्लिक हियर पे ओके करेंगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो आप फ्रेंड्स इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस पर आ जाएंगे। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जो है वो डिटेल में यहाँ पर बताया गया है कितनी यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो दी गई हैं। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बताया गया कि 17 अप्रैल जो है वो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल रहने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज की डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और उसके बाद यहीं से जो है आप जो है इसकी जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, यानी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी लेटेस्ट जॉब आई होगी तो वो भी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। तो इनके जो टेलीग्राम है उसको भी आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये कुछ अपडेट आ रही थी जॉब के रिलेटेड जो कि आपको बतानी बहुत ही जरूरी थी। जितना उसके वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।